जबलपुर में बारिश के सीजन में स्वाइन फ्लू ने जोरदार दस्तक दी है। जबलपुर और संभाग के आसपास के जिलों में स्वाइन फ्लू के एक दो नहीं बल्कि 11 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सर्दी खांसी बुखार मौसमी संक्रमण की जांच के दौरान 11 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर 11 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ साथ 10 और अन्य मरीजों में भी स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले हैं। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों का जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल हॉस्पिटल सहित अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। CHMO डॉक्टर संजय मिश्रा के मुताबिक मरीजों की हालत चिंताजनक नहीं है, सभी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज पूरी तरह स्वस्थ हैं। बुखार के मरीजों की संख्या वैसे भी बढ़ती है, इनमें से डॉक्टर जिन लोगों को परीक्षण के लिए कह रहे हैं तो परीक्षण से जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसको हम मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में कन्फर्म भी करा रहे हैं। तो करीब करीब जो प्राइवेट लैब इधर उधर से प्राइवेट अस्पतालों से जो जांच में पॉजिटिव आ रहे हैं उसका हार्डली 8% के आसपास लोग माइक्रोबायोलॉजी लैब से पॉजिटिव आ रहे हैं। मरीज प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है। इससे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कोविड जैसी महामारी का सामना कर चुके हैं। ये भी उसका एक बहुत छोटा स्वरूप है, वायरल इन्फेक्शन है जो गले में प्रभाव डालता है। बस गंभीरता इसलिए बरतना चाहिए, सावधानी इसलिए बरतना चाहिए कि ये फैले ना और समय रहते हम इसको सीमित करके समाप्त कर सकें। तो भीड़ भरे स्थानों पे यदि आपको ऐसे लक्षण हैं तो भीड़ भरे स्थानों पे ना जाएं। यदि ऐसा लग रहा सर्दी खांसी बुखार वगैरह है तो मास्क का उपयोग कर सकते हैं। वही 2 गज की दूरी, जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, वो हर वायरल इन्फेक्शन में लागू होते हैं, जिसमें H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू भी शामिल है।